हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उगते सूर्य को, जो आप सब रोज़ देखते होंगे, बट आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को खेतों की सैर कराने वाली हूं, तो जैसा कि आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं आ गई हूं खेतों में। वैसे अभी धान की फसल पूरी तरह से तैयार नहीं है, कोई कुछ भी कहे, बट गांव में रहने का अपना एक ही अलग गुण है। प्रकृति से जुड़ा अपने आप हो जाता है, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल सब कुछ फ्री में मिलता है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दो तरह की धान की खेती को दिखाने वाली हूँ। वैसे आप सबको पता भी होगा, लेकिन मैं जब दोनों तरह के खेती करने के तरीके को देखी तो मुझे एक कहानी नज़र आई, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अभी जितने भी आप लोग मेरे पीछे जो खेत देख रहे हैं, उसका जो फसल लगा है वो रुपाई विधि से हुआ है, जैसे कि एक साथ में चार पांच पौधे को लग लगाया गया है, और वो अपना जो जड़ है वो मजबूती से ज़मीन में पकड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पे एक खेत में आपको ऐसा दिखाऊंगी जो छिड़क विधि से हुआ है उसकी खेती, और वो क्या हुआ है कि वो अपनी मजबूती बनाए हुए नहीं है मिट्टी में, और जो भी जब भी आंधी तूफान होता है तो जड़ें कमज़ोर होने के कारण वो सो जाती है, और उसका जो फसल पका नहीं रहता है उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, जो फसल आप देख रहे हैं, इसकी रोपण विधि से इसकी खेती हुई है, और ये अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है ज़मीन में। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको अभी दिखाऊंगी जो बिल्कुल भी मजबूती से पकड़े हुए नहीं है, और वो आंधी एक बार आने के कारण वो अब पूरा का पूरा लेट गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फसल को। इसमें क्या है कि ये छिड़क विधि से हुआ है, जो कि एक बार आंधी आने पे पूरा लेट गया है, और इसको काटने में और पिटाई करने में भी इसकी बहुत परेशानी होने वाली है। तो आप सबको सीधे सीधे दिख गया होगा कि जो कहानी यहाँ पे दिख रही, एक तरफ एक अकेला और एक तरफ चार, तो जो होता है ना कि एकता में बल, वो कहानी यहाँ प्रदर्शित हो रही है कि एकता में बल होता है, और ये सच भी है कि एकता में बल होता है। इसलिए छिड़क विधि को थोड़ा अवॉइड करके रोपाई विधि से खेती करें तो फसल अच्छी होती है। वैसे इस साल की फसल कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई, और बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं लगी। उसी में जो फसल थोड़ा पहले लगाई गई वो अब कटाई के लायक हो गई है, और जो थोड़ा लेट लगाई गई वो अभी कटाई के लायक नहीं है। वैसे एक राज की बात बताऊँ, इसमें से एक भी खेत मेरा नहीं है। वो तो छुट्टियाँ चल रही थी और मैं फ्री थोड़ा थी, तो सोची क्यों ना कि खेत में घुमा जाए, और उसी पे मैं एक ब्लॉग बना दूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा शेयर भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग भी आ जाएगा। ये वही खेत है जिसकी रोपाई बहुत पहले हो गई थी, और देखिए आप लोग की ये काटने लायक हो गई है। बगल में जो खेत है उसकी रोपाई थोड़े लेट हुई, जो अभी पूरा पूरा हरा है, और ये काटने के लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि खेती करने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, पहले लगाने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं लेट से लगाने का क्या नुकसान है। इसलिए समय पर खेती करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उन लोगों को थोड़ा खुश कर पाई हूँ जो गांव से अभी बहुत दूर हैं और गांव को मिस करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो देख नहीं पाते हैं कार्य के चक्कर में, काम जो दूर रहते हैं उस चक्कर में मिस करते हैं, तो उन लोगों के लिए खास करके। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।